नमस्कार बच्चों, आ जाइएगा सभी बच्चे जल्दी से, एक बार क्लास से जुड़ेंगे भैया जी। वही जैसा कि आप लोगों से कल वादा किया था हमने कि भैया हिंदी की समास के क्लास को हम पूरा कर चुके हैं और आज हिंदी की एक प्रश्न श्रृंखला के बारे में हम बात करेंगे भैया जी। भैया सीमा निगम भैया जी, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वाति सिंगल, जय श्री कृष्णा भैया जी। शीतल साहे, गुड आफ्टरनून भैया जी। अलका, वेरी गुड आफ्टरनून भैया। सचिन, वेरी गुड आफ्टरनून भैया। गौरव कुमार, नमस्ते। कपिल प्रजापति, वेरी गुड आफ्टरनून भैया। रविकांत, वेरी गुड आफ्टरनून। निर्देश कुमार भैया जी, नमस्ते भैया। निर्देश भैया नमस्ते। वंशी भाई भैया, गुड आफ्टरनून भैया। कौशल पाल, नमस्ते। अंकित, नमस्ते भैया। कृष्ण कुमार भैया, नमस्ते। रक्षिता, नमस्ते भैया। कल्पना भारद्वाज, गुड आफ्टरनून भैया जी। बच्चे ये नेपाल भैया, नेपाल सिंह, सॉरी निर्देश, हाँ निर्देश भैया जी, ठीक है जी। भैया एक बार बच्चे बच्चों को सभी को भेज देना, कल कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी भैया, एक बाद में मैसेज मैंने पढ़ा तब मैंने पढ़ा नहीं। कोमल वर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून भैया। मोहिन खान, नमस्ते भैया। मैं पहले मतलब कमेंट्स था, वो क्वेश्चन था कोई 22 में कौन सा समास होता है और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था बच्चे। हाँ काशिफ, गुड आफ्टरनून भैया। तो वो लड़की बच्चे भी जुड़ी नहीं है जिसका कल क्वेश्चन था, जैसे ही वो जुड़ेगी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं कल कमेंट्स में बाद में देख पाया, वो मैंने तब सुना नहीं था बच्चे क्वेश्चन। अब यदि सुना होता तो मैं तभी आंसर दे दिया होता। तनुगिरी भैया जी, वेरी गुड आफ्टरनून भैया जी। भैया एक बार वीडियो को लाइक तो करेंगे भैया जी सभी बच्चे? हाँ एक बार वीडियो को लाइक करें भैया जी, एक बार वीडियो को लाइक करें भैया जी बच्चे। हाँ वीडियो लाइक करेंगे भैया एक बार वीडियो लाइक करेंगे भैया। चलिएगा भैया, आज आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को, कृष्ण कुमार भैया जी गुड आफ्टरनून, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भैया मैं आज आप लोगों को प्रश्न श्रृंखला कराऊंगा, ठीक है भैया? धन्यवाद भैया कौशल पाल। तो भैया जी मैं आप लोगों को प्रश्न श्रृंखला ही कराने जा रहा हूं। शोभा रानी भैया, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप लोग भैया जी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखेंगे भैया, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे आप सभी लोग। जा भरत कुमार भैया जी, नमस्ते जी। भैया पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा खूब अच्छे से, सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे भैया जी। ये कोई नई बात नहीं है, हमने आप लोगों को समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास को पहचाना कैसे जाता है और समास का विग्रह कैसे किया जाता है या समास विग्रह किसको कहते हैं, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई थी और आप लोगों को समझ में भी आ गई थी, आप लोगों के कहने के आधार पर भी, और कुछ मेरी भी इच्छा होती है कि एक बार मूल्यांकन भी कर लिया जाए। तो मैंने पहला क्वेश्चन भैया जी आप लोगों को दिया है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। कर्मधारय समास, बिल्कुल बच्चे। कपिल कुमार भैया जी, वेरी गुड आफ्टरनून भैया जी। भैया अलका, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। कल्पना भारद्वाज, वेरी गुड बच्चे जी। ओके सीमा निगम भैया जी जी। भैया कुशल पाल बच्चे, रविकांत वेरी गुड। रक्षिता वेरी गुड। भरत वेरी गुड बच्चे। रविकांत, मोहिन खान, अलका वेरी गुड। सीमा निगम ए, स्वाति सिंगल वेरी गुड भैया जी, वेरी गुड। चलिएगा, हाँ भैया ये आसान सा क्वेश्चन था, चरण कमल, कमल के समान चरण। तो मैंने बताया था जहां पर के समान किसी है, जो ऐसे वर्ड आते हैं विग्रह करने पर, वहां पर आपका कर्मधारय समास ही होता है जिसके, समझ में आई भैया जी? या जहां पर कंपैरिजन किया जाता है वहां पर आपका क्या होता है, कर्मधारय समास ही होता है, अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने ये डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई थी कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का रिलेशन हो या उपमान और उपमेय का रिलेशन हो तो वहां पर कर्मधारय समास ही होता है।
आप लोगों को। कीर्ति भैया जी, कीर्ति सिंह भैया जी, वेरी गुड आफ्टरनून भैया। कीर्ति सिंह भैया वेरी गुड आफ्टरनून। मीनाक्षी सिंह वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चे तुम्हारा ही वेट कर रहा था मीनाक्षी बच्चे, मैं इसीलिए मैंने क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया, जो क्वेश्चन कल आपने मीनाक्षी बच्चे पूछा था मुझसे। अब क्वेश्चन दो मिनट के बाद लगाएंगे भैया जी, क्वेश्चन हटा देना, पहले वो बच्चा आ गया है जिसकी प्रॉब्लम थी बच्चे। ठीक बच्चे, आप में से कोई भी बच्चा जो पहली बार मेरी क्लास देख रहा हो वो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा भैया जी, ठीक है। चलिएगा, जो बच्चे स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बच्चे स्पेशल दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मुझसे फोन पर कॉन्टेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भैया जी नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी और कॉन्टेक्ट नंबर भी, एक बार मैं आपको लिख के दे देता हूँ। उसके लिए हम कुछ अलग से प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे, तो आप में से जो बच्चे स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या स्पेशल चीजें हम कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिएगा बच्चे जी भैया, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे भैया। बच्चे एक बच्चा था जिसने कल कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर ऐसे लिखा हो कि 22 में, 22 को वैसे लिख देंगे आप ऐसे करके, 22 में कौन सा समास होगा। बच्चे का आंसर था ये, कौन सा समास होगा। प्यारे बच्चों मीनाक्षी, इस क्वेश्चन में पहली बार तुम्हें डाउट क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर बच्चे दो समास होते हैं। एक्चुअली इसके अंदर दो समास होते हैं क्योंकि हमने एक कहानी पढ़ी, एक हमने समास पढ़ रखा है बच्चे द्विगु समास, जो आप लोग जानते ही होंगे। ध्यान से सुनना बच्चे, ये डाउट रह गया था आप लोगों का कल। और एक होता है हमारा द्वंद्व समास, भी हमने पढ़ रखा है। तो बच्चे जितनी भी संख्याएं होती हैं 22, 31, 42, 52, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें द्विगु समास भी मान्य है और द्वंद्व समास भी मान्य है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, द्विगु समास क्यों मान्य है और द्वंद्व समास क्यों मान्य है ये क्लियर कर लो। देखो जैसे 22 है, द्वंद्व समास की डेफिनेशन क्या होती है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों। ध्यान से सुने, द्वंद्व समास की डेफिनेशन होती है जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पदों का विग्रह करने पर और, एवं, तथा, अथवा या ऐसे शब्द बाहर निकल के आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब अगर द्विगु समास की डेफिनेशन की बात करेंगे, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण होता है वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। भैया जी यहां तक समझ में आई भैया जी। बच्चे द्विगु समास संख्या में निर्देश, मेरी बात को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करो तो आपका डाउट क्लियर होगा। अगर पेपर में 22 में कौन सा समास है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ए ऑप्शन में द्विगु भी दिया जाए और बी ऑप्शन में द्वंद्व दिया जाए, तो इस कंडीशन में ऑलवेज आप द्वंद्व समास ही ऑप्शन में लगाएंगे। अगर द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है तब आपको द्विगु लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। कोई भी संख्या, क्यों 22 का संग्रह होता है 20 और 2, कैसे बोलेंगे 22 को, 20 और 2 22, समझ में आई बच्चे। 20 की भी उतनी वैल्यू होती है 2 की भी, 30 और 1 31, 10 और 4 14, 10 और 5 15, तो कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। लेकिन अगर द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, द्विगु, क्योंकि संख्यावाचक है। अब मीनाक्षी आप मुझे बताएं कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बच्चे जल्दी से कमेंट्स लिख के भेजें, उसके बाद हम अपनी प्रश्न श्रृंखला को, अरे बच्चे विग्रह कर तो दिया मोहिन खान गुरुजी, 20 और 22 या ऐसे लिख दो 2 और 20, ऐसे भी लिख सकते, 1 और 30 31, 2 और 20 22। मीनाक्षी डाउट क्लियर हो गया बच्चे, ठीक बहुत अच्छी बात है। तो अब स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन मत पूछना पहले जब तक कि मैं क्वेश्चन श्रृंखला अपनी पूरी ना कर दूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, चौराहा में कौन सा समास है, आंसर दें। अलका बच्चे तुम्हारे समझ में आई ये 20 और 22 वाली बात, ये यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने डिस्कस किया है यहां पर।
हाँ, दूसरे का ए, चौराहे में कौन सा समास है? मीनाक्षी भैया, दूसरे का ए किस हिसाब से लगा रहे हो आप? चौराहा। अरे बच्चे, चार रास्तों का समूह। सी आंसर इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, सी आंसर सही है भैया। वेरी गुड जी भैया। हाँ ठीक है ना बच्चे अलका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। एसआई लेवल पर अगर बात करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन घुमावदार वहीं पर पूछता है, ठीक है। और कल मैंने शताब्दी में आप लोगों को द्विगु समास बताया था, तो शताब्दी में द्विगु ही होता है। चलिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 सही है भैया जी, बिल्कुल सही है, इसका सी ही आना था। ओके, कोई बात नहीं है बच्चे जी, दूसरे का सी था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सप्तऋषि में कौन सा समास है? कीर्ति सिंह, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सप्तऋषि में कौन सा समास है? देखें, सप्तऋषि जी, तीसरे का डी, सात ऋषियों का समूह। वेरी गुड, द्विगु समास इज द राइट आंसर। वेरी गुड जी नेहा। बच्चे गुड आफ्टरनून भैया जी, तनुग्री वेरी गुड। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे भैया, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यथा रुचि में समास है, यथा रुचि में समास है, क्वेश्चन नंबर 4 यथा रुचि। आप लोगों को एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब प्रारंभिक पद क्या हो, आ, अनु, प्रति, भार, हर, यथा में से अगर कोई भी होगा तो वहां पर कौन सा समास होगा भैया जी? आपका अव्ययी भाव समास होगा बच्चे। वेरी गुड, चौथे का आंसर सी ही आएगा। वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सभी का आंसर सही है भैया जी, चौथे का सी आंसर सही है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भैया जी, 5। आप लोगों के बच्चे, सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और उसका आंसर कैसे, और टफ क्वेश्चन भी आएंगे भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ध्यान देंगे भैया जी, राजकुमार, दूसरा ऑप्शन है बच्चे यज्ञवेदी, आजन्म ग्रामवासी। देखेंगे बच्चे, राजकुमार राजा का कुमार, यज्ञवेदी यज्ञ के लिए वेदी, और बच्चे चौथा ऑप्शन है ग्रामवासी, ग्राम का वासी, और आजन्म जन्म से लेकर अब तक। क्या इसमें कारक विभक्ति का बाहर निकालना हो रहा है? क्या इसके अंदर कारक विभक्ति का लोप हुआ है आजन्म में? और दूसरी बात, मैंने एक उदाहरण भी आप लोगों को बताया था कि जिसका प्रथम पद आ, अनु, प्रति, भार, हर, यथा में से कोई होगा वहां पर 101% कौन सा समास होगा बच्चों? अव्ययी भाव समास होगा, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भैया, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? आप लोग आंसर देंगे छठे का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे जी। मोहिन खान बच्चे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें भैया। छठे का ए, कुशल पाल भैया जी, छठे का ए, शीतल साई, 6 का ए। हाँ बिल्कुल बच्चे, जो भी चीज अपने आप में यूनिक होती हैं, तो यूनिक चीजों में कौन सा समास होता है भैया? तो यूनिक चीजों में बच्चे आपका बहुव्रीहि समास ही होता है। गुड, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा बच्चे, सही है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, इसके आगे देखते हैं बच्चे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जी। कर्मधारय समास का उदाहरण है, चार ऑप्शन है बच्चे, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? दीपांशु सिंह, वेरी गुड बच्चे, ए ही था छठे का जी। अब लेकिन 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे ना हम, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा बच्चे? ध्यान दें, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। तो बच्चे गगनचुंबी का विग्रह करके देखें, गगन को चूमने वाला, पाठशाला, बताएं बच्चे आंसर क्या आएगा?
डी सातवें का आंसर बच्चे क्या आएगा बताएं। डी श्वेत है जो पत्र, श्वेत पत्र में ही क्या है आपका कर्मधारय समास। बच्चे सातवें क्वेश्चन का सी आंसर सही है। नीलकंठ में बच्चे बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है ना। सी आंसर आएगा भैया, सी, वेरी गुड बच्चे। जी सात का सी आएगा भैया, ध्यान से सुन ले, सात का सी ही आंसर आएगा। एट क्वेश्चन देखेंगे, परमानंद में समास है, परमानंद में बच्चे, परमानंद में कौन सा समास है बताएं। आठवें का आंसर भैया जी थोड़ा घूमने लगे क्या। परमानंद में देखो ऐसे छाटते हैं, द्वंद्व समास तो होगा नहीं, अव्ययभी भाव भी समास नहीं होगा और बहुव्रीहि भी नहीं है, तो कौन सा बचा भैया। बी बिल्कुल सही है बच्चे, बी आंसर सही है भैया इसका। चलिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, नाइन, हाँ थोड़ा तेज करें भैया जी, रक्षिता वेरी गुड, नाइन आयुषी त्यागी बच्चे, नाइन बच्चे आयुषी इसका आंसर ना बच्चे आपका बी आएगा। हाँ जी नाइन क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। नाइन का आंसर, हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता कि जो जो समास की श्रेणी में ही नहीं आता वो बी आंसर है बच्चे। कर्म कारक कोई समास नहीं होता, कर्म कारक कोई समास होता ही नहीं, कर्म तत्पुरुष होता लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता, बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। नितिन चौधरी सी, ओके मीनाक्षी सी, नेहा, दीप कमल, तनुग्री, आयुषी, सभी का आंसर सी, वेरी गुड बच्चे। क्योंकि द्वंद्व समास ही ऐसा होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर तथा एवं और बाहर निकल कर आते हैं, ये मैंने आपको कल ही समझाया था और आज भी सुबह सुबह समझाया एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जल्दी जी, सही है भैया बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। 11वें का आंसर भैया जी, जी वंशी भाई 10 का आंसर तो आ गया, 11वें का आंसर दें अब। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, द्विगु समास सी, ठीक है भैया जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जी, बिल्कुल लड़का 11 का सी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अन्य अर्थ प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है क्या होगा भैया जी। बहुव्रीहि समास, वेरी गुड, डी आंसर सही है इसका, डी आंसर सही है भैया जी। जी अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा तेज करें बच्चे, आगे की क्लास भी कंटिन्यू करनी है। 13 जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भैया, बस इसी फॉर्म में पूछ सकता आप, कोई सा भी पेपर उठा ले, समाज से रिलेटिव यही एक क्वेश्चन है भैया जी। देखें 13, जल मग्न शब्द में कौन सा समास होता है, जल मग्न शब्द में कौन सा समास होता है, जल मग्न शब्द में कौन सा समास होता है भैया। जी 13 का भैया जी क्या दे दिया आपने, जल में मग्न,
बच्चे जल में मग्न तत्पुरुष नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष। और जब अधिकरण तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है तो क्या माना जाएगा? तत्पुरुष ही माना जाएगा। जल में मग्न 13वें का सी आंसर आएगा भैया। अच्छा, सभी ने 13 का डी आंसर दे दिया भैया, गलत था, 13वें का सी सही है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सॉरी घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास है। 14 का आंसर बताएं भैया जी। 13 का सही है भैया सभी का, 14 का। ओके सीमा भैया जी, ठीक है, सी ही सही है। हाँ, 14 का आंसर बी, वेरी गुड बच्चे जी। भैया बी ही आएगा, 14 का आंसर बी ही आएगा भैया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर भैया जी देखेंगे 15। इनमें कौन सा शब्द द्विगु समास है, इनमें कौन सा शब्द द्विगु समास है? 15 इनमें कौन सा शब्द द्विगु समास है बताएं। 15वें का भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। 15 का वेट करूंगा भैया जी आपका। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, 15 का डी ही आएगा, क्योंकि बहुव्रीहि ऑप्शन में ही नहीं है और कोई और उदाहरण में द्विगु समास हो नहीं सकता, तो फिर क्या आंसर देना पड़ेगा? डी, चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी, भैया जी चार भुजाओं का समाहार, ऐसे बोलना पड़ेगा अब यहां पर इसे। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16, हां 15 का डी सही था भैया जी। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होता भैया जी? क्वेश्चन नंबर 16 देखें भैया, 16 का डी, ये तो खूब रटा हुआ क्वेश्चन था। प्रतिदिन आ, अनुप्रति, भर, हर, यथा, ये सब किसमें आते हैं? अव्ययभी भाव में। डी आंसर सही है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जी, 17 देखेंगे भैया। 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे भैया जी, जिस समास पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उसमें समूह, बताएं भैया जी क्या आएगा आंसर? ए, द्विगु समास सही है भैया, बिल्कुल सही है, ए ही आएगा भैया। 18 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? 18 भैया जी बताएं जल्दी से। कर्मधारय समास बी जी, मोहिन खान बी, ठीक है भैया जी। 19 देखेंगे भैया, 19 लिखें, देखेंगे। लड़की चोलड़ी पहने हैं, लड़की चोलड़ी पहने हैं रेखांकित शब्द में समास है। लड़की चोलड़ी पहने हैं रेखांकित शब्द में
बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दें मुझे। सभी का आंसर ए ही आ रहा है, सोच के देना भैया जी। 19 का बी द्वंद्व समास, सॉरी बहुव्रीहि। भैया जी गलत कहां से क्वेश्चन, निर्देश कुमार गलत नहीं है, सही है। अरे बच्चे लकड़ी लिख रहा, कोई बात नहीं निर्देश, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी तो लगाओ बच्चे, लड़की लिख लो ना इसे, लड़की लिख लो भैया जी निर्देश। भैया जी थोड़ा सा गलती हो गई है, लेकिन वो लड़की लिख रहा है, आप लड़की समझे उसे। हाँ निर्देश भैया मैं समझ गया, इतना दिमाग मत लगाओ बच्चे। अच्छा चलो लकड़ी नहीं चोलड़ी पहनी हुई है, उससे थोड़ी मतलब है, लकड़ी चोलड़ी पहनी है, हमें तो चोलड़ी में समास छांटना ना बच्चे, तो हमें लड़की या लकड़ी में थोड़ी ना छांटना। निर्देश भाई ध्यान दें, यहां चोलड़ी में आपको क्या छांटना है, समास। तो आप मुझे निर्देश भैया ये बताएं कि चोलड़ी में कौन सा समास होता है। बताएं भैया जी, सभी का 19 का ए आ रहा है, शीतल साहे का आंसर आया है बी, वंशी भाई का आंसर आया है बी, ठीक है नहीं, बंसी का तो 18 का बी था, 19 का सभी ने क्या दिया है ए। ओके बच्चे ध्यान दें, आप लोग आगे से भी याद रखना कि चो लड़ी ये भी अपवादित ही है, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि हो तो बहुव्रीहि ज्यादा सही माना जाएगा, चार हैं लड़ियां जिसमें अर्थात माला, तो यहां इसका आंसर बहुव्रीहि समास होता, क्योंकि बी आंसर में बहुव्रीहि ऑप्शन में है, और अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको ए मानना होता ही, और बाकी परीक्षक के आधार पर भी हो सकता है। हां मोहिन खान बी ही सही है, सही है भैया, समझ में आया भैया जी। चोलड़ी चार हैं लड़ियां जिसमें अर्थात माला, जो गले में पहनने वाली जो माला होती है उसको चोलड़ी कहते हैं। अगर ये कहे कि चार लड़ियों का समाहार चोलड़ी, तो फिर कौन होता, दिगु, लेकिन इसने तो विग्रह किया नहीं है, विग्रह में करना, दिगु भी ऑप्शन में और बहुव्रीहि भी, तो आपको बहुव्रीहि मानना पड़ेगा जी। बिल्कुल समझ गए भैया जी। आगे देखें भैया क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बताएं भैया जी। अव्ययभी भाव समास, वेरी गुड बच्चे, सही है, बी ही आएगा, यथाशक्ति में बी ही ऑप्शन सही है। हां आगे देखेंगे भैया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर भैया जी 21, सोका गुल, जी भैया सोका गुल में कौन सा समास है, सोका कुल। हां भैया जी हां जी श्वेत भैया जी, होगी करंट की क्लास भी भैया आज भी 1 बजे से चलेगी, श्वेत भाई करंट की क्लास 1 बजे से, ठीक है ना, हां चलेगी भाई श्वेत, करंट की क्लास चलेगी बच्चे 1 बजे से ही चलेगी आज भी, आज तो चलेगी, कल की कल देखेंगे, ठीक है ना भाई जी, जी बिल्कुल भैया। हाँ बच्चे बताएं सोकाकुल में कौन सा समास है, जल्दी बोलें यार आप तो घंटों घंटों। अच्छा आंसर दे दिया, सभी का आंसर आ गया भैया, गुड बच्चे, 21 का क्या है भैया जी ए, तत्पुरुष, वेरी गुड बच्चे, तत्पुरुष ही आएगा। आप बच्चे 22वां क्वेश्चन देखें बच्चे, थोड़ा सा मेरे को दूसरी क्लास लें, जल्दी करें बच्चे 22वें क्वेश्चन का आंसर। भाई समास मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट करके पढ़ाए थे आपको, 6 के 6 प्रकार पढ़ाए, तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार मैंने आप लोगों को पढ़ाए बच्चे, और एक नस समास भी मैंने आपको, तत्पुरुष समास का एक और अलग जिसमें नकारात्मक बातें आती हैं,
भाई समास से रिलेटिव बातें पूछेगा क्या, या तो समास विग्रह कराएगा, या तो समास की पहचान पूछेगा, और या तो सीधा सीधा क्या पूछेगा आप लोगों से कि समास की डेफिनेशन दे देगा और कहेगा कि ये वाली डेफिनेशन किस समास की है। आप लोग समझ गए ना भैया? बिल्कुल जी, ओके। बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं भैया जी, क्या है आपका? अकाल पीड़ित में समास कौन सा है? अकाल पीड़ित में कौन सा समास है जी? सी, वेरी गुड बच्चे, 22 का आंसर भी सी ही आएगा भैया जी। क्वेश्चन नंबर बच्चे 23 देखेंगे, 23 जय पराजय, क्वेश्चन नंबर 23 जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय में कौन सा समास है? 23 का आंसर बताएं, योजक चिन्ह लगा हुआ है क्या, एक दूसरे के अपोजिट हैं? जब योजक चिन्ह भी लगा हुआ हो और दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहां पर कौन सा समास होता भैया जी बताएं? द्वंद्व समास। मैंने आप लोगों को बताया था ना, द्वंद्व का मतलब ही होता है टक्कर, और टक्कर बराबर वालों में होती है, ठीक है? चलिएगा, क्योंकि केवल योजक चिन्ह से हम नहीं पहचान सकते हैं। गुड, चलिएगा भैया, आप लोग समझ ही गए होंगे जी। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया जी, नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, यथोचित चौबीस का आंसर, शीतल साहे डी, रक्षिता, अच्छा 23 का ए ठीक है रक्षिता बच्चे, 24 का दो बच्चे आंसर, 24 का डी जी भैया, 24 का आंसर डी ही आएगा भैया, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी, हाँ यथोचित सही है। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 25, और उम्मीद है कि आप 25 के क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे। हिमांशु वर्मा बच्चे, हिमांशु वर्मा बच्चे, अगर आप मुझे समझ सुन पा रहे हैं तो अभी 2 मिनट के बाद हमारी क्लास खत्म होने वाली है, तो आप बच्चे मेरा, मैंने आपको नंबर, इसमें आपके पास मेरा नंबर हिमांशु होगा बच्चे, तो आपने एक बार फोन कर लेना मुझे, ठीक है? अभी कर लेना चाहे तो 5 मिनट के बाद ही, तो मैं उसमें आपको पूरी डिटेल बता दूंगा बच्चे, ठीक है ना, कैसे कैसे है, किस किस टाइम से क्या क्या चीजें चलती हैं। हाँ अभी थोड़ा ठीक नहीं है बच्चे हिमांशु, हाँ दीपी का स्पेशल बैच चल रहा है, हाँ ये क्लियर है, लेकिन आप सारी चीजें पूछ लेना मुझसे फोन पर, हाँ ठीक है ना बच्चे हिमांशु वर्मा। चलिएगा, धनंजय में कौन सा समास, इसका आंसर देने की कोशिश करें, 25 का डी, अलका 25 का सी, ओके, कपिल प्रजापति सी, कोमल वर्मा डी, रक्षिता डी, मोहिन खान डी जी, वंशी भाई 25 का डी, ओके। पहली बात तो बच्चे 25 का डी आप लोग दे रहे हैं धनंजय, तो जो जो बच्चे 25 का डी दे रहे हैं वो मुझे ये बताएं कि 25 का डी किस हिसाब से दे रहे हैं भैया आप। पहली बात तो देखो, धनंजय, धनंजय पहली बात सो तो धनंजय किसे कहते थे? अगर आप समास विग्रह नहीं भी कर पाते हैं तो धनंजय किसको कहा गया आप मुझे ये बताएं पहले बोल के। आपने थोड़ी रामायण महाभारत देखी होंगी तो धनंजय किसको कहा गया आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के भेजेंगे जल्दी। क्या किसी बच्चे को पता है कि धनंजय किसको कहा गया है? ए भैया बताइएगा। हां बच्चे निर्देश 25 का सी देखेंगे भी है या नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे यह बताएंगे कि धनंजय किसको कहा गया है आप मुझे यह बताएं एक बार। रक्षिता बच्चे, अच्छा सीमा निगम धन देने वाली देवी माँ, हाँ मैं तो बताऊंगा बच्चे, मैं तो बताऊंगा जब मैंने बात छेड़ी है। अरे बच्चे धनंजय अर्जुन को कहा गया है,
समझ रहे हैं बच्चे, वो उसका ही उपनाम है। और मैंने बताया जो भी भगवान या यूनिक नाम होते हैं उन सब में बहुव्रीहि समास होता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। अरे धनंजय का मतलब ही है अर्जुन से, ठीक है भैया जी, सी आंसर सही है इसका। अच्छा बहुव्रीहि 25, अच्छा आपने बहुव्रीहि डी में लिख रखा, ओके बच्चे, गुड बच्चे। बच्चे 25वें का आंसर बहुव्रीहि समास आएगा, और बहुव्रीहि समास आपके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन है, समझ गए भैया जी। हाँ अर्जुन, हाँ भैया जी बिल्कुल बच्चे डी सही है। रक्षिता आपका सही था बच्चे, मैंने वो ऑप्शन गलत देख लिए थे। अच्छा 24 में से 25 मोहिन खान, वेरी गुड। नहीं बच्चे, हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था, डी हाँ आपने सही बताया था बच्चे, लेकिन मैं ना एक्चुअली वो ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का पढ़ लिया मैंने, चलिएगा। हाँ चलिएगा बच्चे, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना बच्चे, और वो 1 बजे आप लोगों को करंट की क्लास मिलेगी ही। हाँ बच्चे बिल्कुल गुड रक्षिता बच्चे, और 1 बजे से वो करंट वाली क्लास आप लोगों को मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जब तक 1-2 दिन चल रही है बच्चे, क्योंकि वो क्लास मैं तो लेता नहीं हूँ, सर जी के हाथ में है बच्चे, अब उनका जब तक दिल कर रहा है वो क्लास ले रहे हैं। वैसे कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास प्रतिदिन चले, मैं तो उनसे बोल ही रहा हूं कि सर आप, बुरा भला में कौन सा समास है? बुरा और भला बच्चे द्वंद समास है निर्देश कुमार भैया, बुरा और भला में निर्देश कुमार द्वंद समास होता भैया जी, समझ में आ गई भैया जी। हाँ तो और उसके बाद बच्चे मैं डीपी की बात आप लोगों से बता ही चुका हूँ, डीपी का बैच चल ही रहा है। अगर किसी बच्चे को डीपी से के बैच से रिलेटिव कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, अगर किसी भी तरीके की जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं उनको जितनी भी सुविधा हो सकती है हम देने की कोशिश करेंगे भैया, ठीक है। हाँ चाहे आपके घर ही आना पड़े, लेकिन आप बच्चे एक बार जरूर से ध्यान देना। चलिएगा बच्चे आज यहीं रोकेंगे क्लास को, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर